वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज 6 मार्च के एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहां पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तीनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो खत्म हो चुका है। आप सभी को पता है इसके तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं शाम को। और यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 6 मार्च को एसएससी सीजीएल के तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहां पर कंबाइंड वीडियो लेकर आए हूं, जिसमें लगभग 57 क्वेश्चन आपके पास इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 100% जेन्यून और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज की इस पीडीएफ फाइल के बारे में बताएंगे आपको, पीडीएफ फाइल कहाँ से कैसे डाउनलोड होगा। इस बार डाउनलोड करने की फैसिलिटी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी कि किस तरह से डाउनलोड होगा। ठीक है, और 100% जेन्यून वीडियो है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब युद्ध पूछा जाने लग गया है हिस्ट्री से, तो आप हर एक जो युद्ध है, पानीपत का जो युद्ध है, ऐसे जितने भी युद्ध हुए हैं, किसके किसके बीच हुए हैं, कब हुआ है, ये जरूर याद रखे, कौन जीता है कौन हारा है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से अब इस तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया गया है। कांच से हरे रंग को हटाने के लिए, जो कांच में हरे रंग होते हैं उसको हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, MnO2। ठीक है, अगर MnO2 ऑप्शन में था तो ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर लिखा हुआ था तो वो भी एक ही चीज़ है, उसी का ये फॉर्मूला है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ये इसमें कुछ डाउट लग रहा है, जर्कोनियम, किसी ने बताया कि जर्कोनियम का परमाणु भार पूछा है और कुछ कह रहे कि स्कैंडियम का पूछा है। तो देखिए, दो क्वेश्चन मेरे पास आया, इन दोनों के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। जिरकोनियम का जो है 91.22 जो होता है इसका परमाणु भार होता है, और अगर स्कैंडियम की बात करें तो 44.95, वैसे ये 44.9559 इस तरह से जाता है, तो आप इतना मैच करा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन क्या था वो एग्जैक्ट देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है, FIH वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसने जीता? रानी रामपाल, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान, इनको ये अवार्ड मिला। इसके बाद क्वेश्चन है, 92 जो ऑस्कर अवार्ड हुआ है उसमें जो भारत की तरफ से नामित फिल्म कौन सी थी? ठीक है, तो भारत की ओर से जो नामित 92वां ऑस्कर के लिए नामित की गई थी मूवी, गली बॉय उसका नाम था। इसके बाद है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, FSSAI के द्वारा जो पहला ईट राइट स्टेशन है वो किसे घोषित किया गया था? देखिए, करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन हमने बार बार आपको बताया था, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को देश का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया था FSSAI के द्वारा। 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 21.67%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लाई हराओबा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर है? लाई हराओबा फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग कब बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1950 में बना। आपको बता दें, 25 जनवरी उसकी डेट भी आपको याद रखनी है, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है इसी निर्वाचन आयोग की वजह से। अगला यहाँ पर जो है, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र के लिए हैदराबाद में आधारशिला किसने रखी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया, रोहित शर्मा ने रखी थी इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र के लिए हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई थी। क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2019 पूछा गया है, तो देखिए नासिरा शर्मा को दिया गया है लेटेस्ट व्यास सम्मान, और इनकी जो उपन्यास या आप इनकी रचना कह लें कागज की नाव, इसी के लिए इनको ये मिला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति जिसको एंसिलियरी पावर कहते हैं, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 140, आर्टिकल 140 के अंदर इसकी चर्चा है, सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, जो पावर है उसके बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। देखिए, आज थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ हमारे पास कम आए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आया है इसमें से किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसे रिमूव कर दूंगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखिए, कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? इस क्वेश्चन को करेक्ट किया गया है, सेकंड शिफ्ट में जब हमने क्वेश्चन दिया था तो कुछ कैंडिडेट ने बताया कि राज्य पूछा गया था, देश नहीं। ठीक है, तो राज्य की बात करें और उसमें ऑप्शन दिया था मेघालय,
तो मेघालय जो है वो भूटान से सटा हुआ नहीं है, भूटान से सटा हुआ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारे राज्य जो भारतीय राज्य हैं ये भूटान की सीमा से सटे हैं, मेघालय नहीं सटा हुआ है। अगला यहाँ पर है, कौन सी नदी पूरब में बहती है? पूरब में बहती बहने वाली जो नदी है उसका जो राइट ऑप्शन वहाँ पर ब्राह्मणी दिया हुआ था, और ब्राह्मणी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तानसेन समारोह किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। उसके बाद है सी के नायडू पुरस्कार, जो कि महिला के लिए दिया गया, किसको दिया गया? अंजुम चोपड़ा को, और पुरुष के लिए याद रखिएगा के श्रीकांत को दिया गया है। तो अगली शिफ्ट जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो इसको जरूर याद रखें, चाहे आपका CHSL क्यों ना हो, आप CGL की एनालिसिस कंप्लीट देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आने वाले किसी भी SSC के एग्जाम के लिए, या फिर करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो रेलवे वगैरह के लिए भी आपको हेल्प करेगा। 13वां दक्षिण एशियाई खेल किस देश में हुआ था? नेपाल में हुआ। नेपाल में दो जगह एक साथ ही ये दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, काठमांडू और पोखरा, ये दोनों जगह भी आप याद रखिए, देश तो याद रखिए ही। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान में जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? 368 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफरी कहाँ पर है? ठीक है, ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जोधपुर में है, राजस्थान में। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है आज वो है, अर्चना कामत का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद है, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। कब या किसके बीच हुआ था ये अक्सर क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, युद्ध पर हमने आपको बताया, आज सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1982 में हुई थी। कुतुब मीनार परिसर में कौन सी इमारत नहीं है? तो हमने आपको पहले ही बताया था, बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार परिसर के बारे में हर चीज़ जान लीजिए, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, इसी तरह से अब अजमेर के बारे में भी आप जान लीजिए, ढाई दिन का झोपड़ा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगला जो प्रश्न है, मराठाओं की कर प्रणाली क्या थी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए इसमें ऑप्शन कह रहे हैं कैंडिडेट, चौथ दिया गया था, तो देखिए मराठा की जो कर प्रणाली चौथ और सरदेशमुखी दोनों है, चौथ अगर आपके ऑप्शन में था तो चौथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी हेरिटेज साइट है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर होगा भीम बेटिका। उसके बाद है, रामानुजन अवार्ड किस विषय में दिया जाता है? आंसर होगा गणित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और जम्मू में BSF के द्वारा लॉन्च एक्सरसाइज या ऑपरेशन जो है वो कौन सा था? तो ये ऑपरेशन सुदर्शन था, राइट आंसर होगा, ऑप्शन में दिया गया था सुदर्शन, इसलिए जो इसका आंसर होगा सुदर्शन, ऑपरेशन सुदर्शन। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब और जम्मू में ये BSF के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन था। देखिए हमारे चैनल पर आपको 100% सटीक जानकारी दी जाएगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो डेली हर एक एग्जाम का एनालिसिस जब भी SSC का एग्जाम होगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, खाद्य नहर, फूड कैनाल, या फिर इसका इसी का दूसरा नाम पूछा गया, तो फूड पाइप भी कहते हैं इसको, ओसियोफेगस भी कहते हैं, ओसोफेगस, और आहार नली भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद है, दल बदल पर जो कानूनी रोक लगी थी संविधान के किस संशोधन में है वो हुआ था? 52वां संशोधन में दल बदल पर कानूनी रोक जो है वो लगाई गई थी। इसके बाद एक पुस्तक है, 1084 की माँ, 1084 की माँ एक पुस्तक कहें या उपन्यास कह लें, वैसे ये उपन्यास है, उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? महाश्वेता देवी, ठीक है, महाश्वेता देवी 1084 की माँ पुस्तक की लेखिका है, और इसके ऊपर जो है एक मूवी भी बनी हुई है 1998 में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कराची अधिवेशन जो 1931, यहाँ पर 1931 होगा, कराची अधिवेशन 1931 की विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन को करेक्ट किया गया है, जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आप लोगों ने बताया कि इस तरह से नहीं, इसकी भाषा इस तरह से थी, तो हमने उसको करेक्ट किया है, वहाँ पर उसकी विशेषता ऑप्शन के हिसाब से गांधी इरविन समझौता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियों को हस्तांतरित करके ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया था? तो आंसर होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO, हमने आपसे पूछा था ये जो ISO से रिलेटेड क्वेश्चन था वो बताइए, तो एक कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया था पर्यावरण प्रबंधन से पूछा गया, तो इसके लिए जो ISO होता है ISO 14001 पर्यावरण मैनेजमेंट के लिए होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा कल्ली पुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इंटरनेट का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। ये देखिए क्यों पूछा गया, जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट जो है कुछ दिनों तक बाधित किया गया था सरकार की तरफ से, उस पर रोक लगाई गई थी, हाईकोर्ट ने इस पर फटकार लगाई। जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हाईकोर्ट ने लगाया कि ये इंटरनेट जो है वो हमारा अधिकार है, तो इसलिए इसको आप बंद नहीं कर सकते, जल्द से जल्द आप इसको चालू कीजिए। यही वजह थी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, और इसलिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को पूछ दिया गया। एलिसा हेली ने महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली, जो इनके नाम जो विश्व रिकॉर्ड है, वो किस देश की है ये पूछा गया, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है, तो आंसर होगा शुक्र। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, इसको भी करेक्ट किया गया, मुद्रास्फीति के बढ़ने पर केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक जो है वो क्या करता है, तो ये रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, इस पर कंट्रोल करने के लिए, ये जब बढ़ती है तो इसको क्या किया जाता है, रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमित होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है, ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में मुझे डाउट है, यहाँ पर देखिए एड्स भी लिखा हुआ है, सिफिलिस है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस भी है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक दूसरे से जो संक्रमित होती है ये एड्स भी होता है, ठीक है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है, सिफिलिस भी इसी तरह की STD है, और अगर इनको ब्लड भी चढ़ा दिया जाए एक दूसरे का तो ये बीमारी हो सकती है। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी भी है, अगर इसमें भी आप एक दूसरे को ब्लड या किसी और भी लिक्विड के माध्यम से एक दूसरे के आदान प्रदान होता है किसी भी तरह का, तो उससे भी ये हो सकता है। और सिरोसिस भी एक ऐसी ही बीमारी है, तो मुझे डाउट हो रहा है इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन क्या थे, अगर ये चारों ऑप्शन है तो इसमें से आंसर मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसकी सेवानिवृत्ति दिवस को सशस्त्र बलों के वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन एक नया ऐड हुआ यहां पर, KM करियप्पा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहां पर है, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के लैंगिक समानता हासिल करने के लिए जेंडर पार्क पर किस राज्य के साथ साझेदारी की गई है, तो ये केरल के द्वारा, ठीक है, केरल से साझेदारी हुई है यूएन राष्ट्र, यूएन महिला के लैंगिक समानता हासिल करने के लिए जेंडर पार्क पर केरल राज्य से जो है वो साझेदारी की गई थी। इसके बाद है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस पूछा गया था, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ये सारी गैसें जो हैं, जलवाष्प वही हुआ वेपर जिसको कहते हैं वेपर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकलती है ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या था मुझे नहीं पता, यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है, तो जो ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नूर जहाँ या फिर मेहरुन्निसा उन्हीं का नाम है, किसकी पत्नी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जहांगीर की पत्नी थी, और जहांगीर की ये अंतिम पत्नी थी, ठीक है, जहांगीर की पत्नी से पहले इनका नाम मेहरुन्निसा था, जब जहांगीर की पत्नी बनी तो इन्होंने उनका नाम नूर जहां रख दिया। देखिए एक यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, ये ठीक किया गया है, मर्दानी खेल पूछा गया था, ठीक है, मर्दानी खेल किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र का है, ये क्वेश्चन था। जायकवाड़ी डैम किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, और अगर नदी पूछी जाती है तो गोदावरी नदी इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला देश कौन सा है, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको बताया है, श्रीलंका इसका आंसर होगा। उसके बाद CR फॉर्मूला किसने दिया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला दिया है 1944 में। देखिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का PDF आप जरूर देखिए, PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ से, और 6 महीने की वीडियोज़ भी आप देखिए, 6 महीने में वीडियो जो है मैंने फरवरी तक के दिए हैं, सितंबर से लेकर के फरवरी तक के सारे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है यहीं से आ रहे हैं, जनवरी फरवरी के क्वेश्चन जो 2020 के हैं इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स पर इस बार SSC CGL में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, 5 से 7 क्वेश्चन जो हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला जो प्रश्न यहां पर है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और पहला जो महीना इसका होता है ये याद रखिए चैत्र होता है, अंतिम महीना इसका जो है वो फागुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो कि SDG है, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, नीति आयोग, और इस पर हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया हुआ था कि केरल जो है वो प्रथम स्थान पर है, बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है, तो ये भी याद रखिए। इसके बाद देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडेक्स को जरूर पढ़िए, याद रखिए कि भारत का स्थान क्या है और प्रथम स्थान पर कौन है, Top 3 कम से कम जरूर देखिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसी को कहते हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर, और इसको जारी करने वाला जो है वो विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF,
और इसी को कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भारत की रैंक 76 थी और पहले नंबर पर जो है वो स्वीडन था। इसके बाद है रक्त में ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे WBC, RBC, हेमोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। और अगर पूछा जाता है कि रक्त जो है वो लाल किसके कारण से होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण ही जो है वो रक्त लाल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर एग्रोनॉमी पूछा गया था। एग्रोनॉमी किसके अध्ययन से संबंधित है, फसलों और मिट्टी के यानी क्रॉप्स और सॉइल के अध्ययन को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर जूनियर अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता, आंसर होगा दीपक पुनिया ने। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक एंटी बैक्टीरियल धातु है, तो देखिए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ऑप्शन में दिया गया था, तो तांबा यानी कॉपर जो है ये एंटी बैक्टीरियल है। कॉपर के साथ साथ आप निकल भी याद रखें, निकल भी जो है वो एंटी बैक्टीरियल जो है वो मेटल है, तो आप इसको याद रखिएगा। आंसर क्या होगा इसका, कॉपर, तांबा। अगला प्रश्न है महिलाओं का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, और इसमें आंसर हो जाएगा ओवरी, ठीक है, ओवरी, अंडाशय। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें जो है वो ऑप्शंस जो है वो योनि भी दिया गया था, तो देखिए योनि जो है वो प्राथमिक यौन अंग नहीं होगा, ठीक है। जो प्राइमरी जो पूछा गया यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन, तो वो अंडाशय होगा, ओवरी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसका PDF फाइल आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर एक डायरेक्ट PDF डाउनलोड का लिंक हमने दे दिया है, डाउनलोड PDF फ्रॉम हेयर, उसको आप क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शिफ्ट में अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू।